मसनवी गुलजार नसीम, गुलजार नसीम की पैदाइश जब हुई उसका पता नहीं, मसनवी गुलजार नसीम दयाशंकर नसीम जिसका नाम है, रशीद हसन खान ने मुरतब दिया और आबिद हुसैन आबिद ने भी दिया है, सिद्दीकुर रहमान ने सिकदवई ने भी दिया, कमर रईस ने भी दिया। पुरानी किताबों कम याब होती हैं, जो किताबें मिलती हैं उनमें से पेश तर काबिल एतबार नहीं, आम तौर पर उनकी कीमत भी ज़्यादा होती है। बहुत से लोग जो और अच्छी किताबों को ख़रीदना चाहते हैं कीमतों की ज़्यादा की वजह नहीं ख़रीद पाते। तारुफ लिखा है, पंडित दयाशंकर नसीम गुलजार नसीम उर्दू के उन चंद मसनवों में से हैं जिन्होंने कबूल आम की सनद हासिल की है। मसनवी की कहानी किस्सा गुलबकावली के नाम से मशहूर है। नसीम ने किस्सा बनाने नहीं है, पुरानी दास्तानों को उर्दू में नज़्म किया है। असल किस्सा इज़्ज़तुल्ला बंगाली का लिखा हुआ फ़ारसी नसर में था। इज़्ज़तुल्ला की फ़ारसी नसर का एक मखतूता एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के कुतुब खाने में है। फहरिस्त मखतूतात के मरतब में उनमें तारीख तसनीफ लिखी गई है। उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने 1803 में गुलकृष्ट की फरमाइश पर इसका उर्दू नसर में तर्जुमा किया था। 1838 में नसीम ने इस दिलचस्प दास्तान को उर्दू नज्म को लिबास पहनाया और अपने कमाल फ़न से उर्को जिंदा जावेद बना दिया। नसीम ने खुद इस सराहत कर दी है कि हर चंद सुना गया है इसको उर्दी की ज़बान सुखन को, वो नसर है दाद नज्म दादों में जो उस मैं की आश्ता करूँ मैं। ये वाक़ नसीम के भी मिसल मरक्का उसलूब सजा बयान से इस दास्तान के मरक़े को शोहरत बहुत ऊँची मेहराब पर सजाया गया है। दास्तान की खूबी उसकी ज़ेली तफसीलात और ज़मनी कहानियों में दी गई है। तफसीलात निगारी हो तो रज्म बज्म की मरक्का निगारी नहीं हो सकती, मनाजिर का बयान नहीं हो सकता, माशरे की कदीम अदम तस्वूर नहीं बन सकती। कहने वाला ढोंग का हो तो उसे तफसील ढंग का हो तो उसे तफसील से रंग में आमेज करके और सलीके से तरतीब कर दे, बल्कि सजा कर तिलसिमाती फिजा पैदा कर सकता है। नसीम ने यह अजीब अंदाज अपना कर नसर किस्से में तफसीलात नहीं उन पर इजाफा कर दरकिनार किया, उल्टा उनकी इख्तसार के सकंजे में कसा। कुछ तफसीलात तो बिल्कुल गायब हो गई थी, कुछ नक्तों में शमा कर दे रह गई थी। होना यह चाहिए था कि किस्सा दिलचस्प दिलकशी से महरूम होना चाह, लेकिन हुआ ये कि एक नसर दास्तान उर्दू की नहायत मशहूर मंजूम कहानी पर बन गई है, गोया शोहरत का मदार बन गया है। मसनवी के शुरुआत हर शाख में है शगुफा कारी, समर है कलम का हमद बारी, करता है ये दो जियां से यकसर हमद सना मद है पैम्बर। पांच उंगलियों में ये हर्फ जन है यानी कि मुतब्बा पंजतन है। खुतन उस पे हुई सुखन परवरती, करता है जियां की पेश दस्ती। खास्तागारे जनाब बारी ताला से मसनवी गुलजार नसीम की तरतबी के वास्ते यारब मेरे खामे को जमा दे, मिनकार हज़ार दास्तां दे। अफसाना गुल बकावली का अफसू हर बहादुर आशिकी का, हर चंद सुना गोया है इसको उर्दू की जबान में सुनूं है जिसको। यारब मेरे खामे को जबां दे, मिनकार हज़ार दास्ता दे, अफसाना गुल बकावली का अफसू हो बहार आशिकी का, हर चंद सुना गया है इसको उर्दू की जबान सुखन गो, वो नसर है दादे नज़मों में उसने मैं को दो आशना कर दूँ मैं। हर चंद अगले जो अहले फ़न थे सुल्तान कलम सुखन थे, सुल्तान हर बहर सुखन सदास बाकी, दरिया नहीं कार बंद साकी। ताने से जबान नुक्ता चीनी रोक,
रख ले मेरी अहले खाने में नोक। मगरिब थे माल वो ज़र पे के लिए सामान हारे तो सर पे खिले। बदबख्ती से आकर जुआ था बंदा होना बदा हुआ था। दो हाथ में चारों उनके लोटे पंजे में फंसे तो झके चुंदे। जीतना दिलवर बेशिया को छोड़ कर रवाना होना। तलाश गुलबकावली में लाना जरे गुल जो है इरम से। लाना जरे गुल जो है इरम से। यूं सफ़े पे नक्श है कलम से। वह रेगे रवां गर्दिशे लश्कर यानी ताजुल मलिक अबतर। हैरान हुआ है के या इलाही लश्कर ये क्या पड़ी तबाही। लश्कर पे ये क्या पड़ी तबाही। उठकर खबर तो लीजिए चलकर। उठकर खबर तो लीजिए चलकर। गुजरा दरे बाग बेसुआ पर। हैरान था कि ये बुलंद पाया नकली अंदाज। अंदर से एक दाया लड़का कोई खो गया था उसका। हम शक्ल ये मह लका था उसका। माह लका था उसका। बोली वो क्या नाम क्या है तेरा। फर्जंद उस शख्स का था मेरा। फर्जंद इसी शक्ल का था मेरा। बोला कि वो के नाम तो नहीं याद। तिफली में हुआ हूँ खाना बर्बाद। लेकिन ये मैं जानता हूँ दिलगीर मादर थी मेरी भी ऐसी ही एक पीर। बेटा वो समझ के जी से उसके उसको घर लाइयो हंसी खुशी से उसको। चलते 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 उधर से वो जुरारी एक एक कर कर रहा तो खारी। कहते थे फरेब दोगे क्या तुम। शहजादे ना हो ना बेसवा हो तुम। जिक्र अपने बर्दारी का सुनकर बोला वो अजीज सुन लो मादर। बोली वो कि हाँ जो अब है बदकार। दिलबर एक बेसवा है खुद का बिली पे चिराग रख के सबको। चौसर में वो लूटती है सबको। पासे की है कुल चिराग के साथ। वो बिल्ली के सर पे चूहे के हाथ। शहजादे कहेंगे थे कहे कहीं के थे बद इकबाल। बंदे हुए हार कर सर जारो माल। भाई थे खुशखू कहाँ जाए। सदमा हुआ दर्द से कहाँ जाए। पासे का चिराग का उलट फेर। छूसा ना उन्हें ना देख अंधेर। सोचा वो कि अब तो हम हैं आगाह। जीते हैं तो जीत लेंगे निगाह। एक बिल्ली झपटी चूहे को भांप। नवेले ने झका दिया दिखाया सांप। समझा वो कि है शगुफा निराला। नीलों ने पकड़ा आस्तीन में पाया। एक रोज़ उसे मिल गया अमीर एक। वो साहेब चाह दिल था नेक। अशरफ समझ के ले गया घर। बख्शा उसे अस्प जामा जर। उस गुल के जो हाथ में जर आया। जानबाजी को सुवे दिल भर आया। मिलती थी खिलाड़ डांट के चूट। नकारा चूम में वो चली छूट। आवाज़ सुन के देर पर आई। हमरा उससे लेके अंदर आई। दाई हनराह लेके उसको अंदर आई। काम उसका था बस के खेल खाना। खेल खाना जो चौसर का जमा वो कारखाना। वो चश्मे चिराग के करने लगे तमाशे। पहुँचाना ताजुल मलिक का सुरंग खोद कर बकावली में। और गुल लेकर फरार होना। करता है जो तय सूद नामा। यूं हर्फ है नक्श नक्श पे यह है खामा। बकावली का सुरंग खुदवा कर बकावली में। और पहुँचाना ताजुल मलिक का सुरंग खुदवा कर बाग बकावली में। और गुल लेकर फिरना। करता है जो तय सुवाद नामा। यूं हर्फ है नक्श खामा। और दामन दश्त शौक का खार यानी ताजुल मलिक दिल जार। साए को पता ना था शजर का। अनका था नाम जानवर का। मुर्गा ने हुआ हवा से होश राई। नक्शे कफे पस राग माही। वो दस्त के जिनमें बुज दूज
या रेगे रवा थी या वो राह रो, ठंडा था एरम के बादशाह का एक देवता, पास पास बा बुलाया बुला बुला बला का डांट उसको गोर गुन कजा के, दो नन्हे रह अदम के ना के सर पर पाया बला के उस शख्स ने। आवारा होना बकावली का ताजुल मलिक गुलची की तलाश में, गुल को जो अलम चमन में है, चमन चमन है गुल का जो अलम चमन चमन है, अलम कहते हैं दर्द, गुल का जो अलम चमन चमन है, यूं बुलबुल खामे नगमा जन है। गुलची ने वो फूल जब उड़ाया, गुंचा सुबह खुल खिलाया, वो सब्जा बाग ख्वाब आराम यानी वो बकावली गुल अंदाम, जागी मुर्ग सहर के गुल से, उठी निकट से फर्श गुल से, मुंह धोने जो आँख मलती आई, चुरा आबो जिस्म हौज पाई, देखा तो वह गुल हुआ हुआ है, हुआ हवा है, कुछ और ही गुल खिला हुआ है। घबरा के हैं किधर गया गुल, झिलमिलाई कि कौन दे गया चुल, है मेरा फूल ले गया कौन, है मुझे खार दे गया कौन, हाथ उस पर अगर पड़ी नहीं है, बो के तू फूल उड़ा नहीं है, बो हो के तू फूल उड़ा नहीं है, नरगिस तो देखा किधर गया गुल, सोसन ने बता किधर गया गुल, सुंबुल मेरा ताजिया ना लाना, शमसादुनी सूली पर चढ़ाना। ताजुल मलिक का एक अंधे फकीर तकिए पर और आजमाना गुल का, फिर ना जो वतन का मुद्दा है, अब सफ़े पे यूं कलम फिरा है, फिर ना जो वतन का मुद्दा है, अब सफ़े पे यूं कलम फिरा है, वह गुलशने मुद्दा का गुलची यानी ताजुल मलिक हक भी, जिस वक्त गुल उस चमन से मिलाया, महमूदा खुश हुई के आया, कहने लगी लो आप मुराद पाई, बोलो वो जियां से हो रिहाई, गुल की वो गर्ज कर आशकारा, जो बन की तरफ उसे उभारा। जब देव सिया शब से महताब रुखसत हुआ जैसे चश्मे से ख्वाब, और गुल लिए आफताब ताया ताबा, हंगामा सहर हुआ शिताबा, वह महरविश और वह माह पैकर उस दीवानी पास आई मुस्तर, गुल की वो गर्ज जीताई उसको, रुखसत की तबा सुनाई उसको, क्या कहती वह दीवानी कहाँ जाऊँ, देवियों से कहा कि तख्त ले आऊँ, दो बाल दिए के लो मेरे लो लाग, जब वक्त पड़े दिखाइयो आग, दियो उसको शरीर पर बिठा के, परवाज़ किना हुआ ये जाके, बोले कि किधर चलोगे कह दो, फिर दोस्त के रुख किया इधर को, मुड़ के उधर को उड़ आए, गुलजार में बेसुआ के लाए, वक्त सहर खुनक हुआ था, गुले गश्त चमन में बेसुआ था, चारों आँखें हुई थी सनसान, कदमों पे गिरी थी वो साया आन। मिलना चारों शहजादों का और छिन जाना गुल बकावली का ताजुल मलिक से, और बीना होना चश्म ज़ैनुल मलिक का, है बस के ये चरख जोर पेशा, है बस के ये चरख जोर पेशा, यूं खारे राह कलम है रेशा, ये जाके उस जगह पे नागा आ पहुँचे, वह चारों गोल गुमराह, कहते थे कि वाह रे मुकद्दर किस शक्ल से फिर के जाते हैं घर, क्या रंग जमाना दिखाए, गुल लेने गए थे दाग लाए, किस मुंह से बदर के आगे जाए, पेदर के आगे जाए, क्यों कर बेफूल मुंह दिखाए, ठहराई के और फूल ले जाए, को हाल को बेवकूफ़ ठहराए, एक बार हवाई तोड़ कर फूल, कहने लगे फूल 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 गूल, क्या फूल है क्या असर है इसमें, हो जाती है रोशन अंधेरा,
अंधी आँखें, वो गोर के हो चुका था बीना, देखा उसने जो ये करीना, बोला कि ये गुल वो गुल नहीं है, उस गुल की और गुलजी हैं, गुले ज़मी हैं, वो जोगी जो जाते हैं अगर आए दिखलाएं वो गुल जो आंखें खुल जाएं, मैं कोरा अभी हो चुका हूँ बीना, अंधेरा नहीं अब हुआ बीना, चारों को थी हसरत गुल तर जो बाई हुआ तरह चलकर, उस जोगी की जब बराबरी आई, बाहम कहा कि देखो फूल लाई, गुल है के इलाज नूर ये है, गुल है के चिराग तूर ये है, जोगी यानी शहजादा बोला के बको नहीं ज़्यादा, जाते अगर उस दरख्त के छाँव, रखते हैं ये तुम ज़मीं पे पाँव, ढोंग अब आपकी सब फसूल ये गुल नहीं वो फूल ये कहकर जेब से निकाला, मुफ्त बिरोई ने हाथ डाला। पहुँचाना बकावली का दारुल खिलाफत ज़ैनुल मलिक में, और वज़ीर होकर ताजिल मलुक को तलाश में रहना। गुलची का जवाब पता मिला है, गुलची का जवाब पता मिला है, यूँ शाखे कलम से गुल खिला है, वह बाद चमन में खरामा यानी वह बकावली परेशान, गुलशन से जो खाक उड़ाती आई, उस शहर में आते आते आई, देखा तो खुशी के चहते थे, गुलची के शगुफे खिल रहे थे, गुलबांग जमाना था जो जहाँ था, एक एक हज़ार दास्ता था, पाते ही पिता खुशी से फूले, शाद ऐसे हुए रंग भूले, जादू से बनी वो आदमजाद, इंसानों में आ मिली परीजाद, शैतान की सवारी आ रही थी, सूरत जो निगाह की परी थी, निकल इरम और मकान बना के, रखो परी को अपने ला के, बाग आग पे रखते अंधेर आए, वह दीवानी बाल बांधी आई, तन्हा उसे देखकर कहा है महमूदा क्या हुई कहाँ है, दरिया पे हूँ उसको छोड़ा आया, मस्कन के लिए तुम्हें बुलाया, लेकिन वो मक्कार हौज वो बाग़े बकावली को दे दाग, हम्माला ने देव को क्या याद, आए तो कहा ये बिन हुआ आबाद, वीराने को गुल ज़मी बनाओ, गुलजार जौहरी बनाओ, सन्नाए तलसिमकार थे वो, गुलशन के लिए बहार थे वो। मुलाकात ठहरानी ज़ैनुल मलिक का और ताजुल मलिक के आपस में, सादत नाम एक माह लका थी, दिलबर गुलाम बा वफा था, सहराज जो सैर करके आया, लकड़ी की चुका के बोझ लाया। हिकायत एक औरत के मर्द बन जाने का देव के जादू से। एक मुल्क में एक साहब फौज रखता था महल में बारूद रोज। एक मुल्क में एक साहब फौज रखता था महल में बारूद रोज, था दागे पिसर मुकद्दर उसको, जन्नी थी हमेशा दुख्तर उसको, अज बस के वो शाह था बद अख्तर, करता था हसद से कत्ल दुख्तर, एक बार महल में फिर हमल था, वो शाह को जुल्म में मसल था, खा बैठा कसम के अब की बारी, बेटा जो ना हुआ जनाबे बारी, इकबाल का कुछ न जानिए अवज, कर डालिए जबह दुख्तर जवाज, के ना था के नी थी अर्ज के रास आई उसको, पूरी ना हुई आस उसकी, सुल्तान का जो अहद बेखलल था, घर वालों के खिलाफ का महल था, महलूज दिल था परवाज राज था, सैयार सन्नासों से क्या साज था, हर चंद सितारा माल का था मानिंद, माह का था मानिंद, थी चांदनी शहजादा का दिया चांद, बेटे का वो रायजा बना के, गोया हाँ हुए दस्त बस्त आके, हजरत पिसर ये पिसर है नेक अख्तर, बद यमन मगर है एक दुख्तर, जब तक ना चले अपने पाँव, हजरत ना पिसर के सामने आओ, हुलिया करके छुपाई यक चंद,
बेताब हुआ चंद आरजूमंद। हिकायत नसीहत गिर मुर्गा सीर ना फहमी सयाद की। हिकायत नसीहत गिरी मुर्गस असीर ना फहमी सयाद की। एक मुर्ग हुआ सीरी सयाद दाना था वह तायरे चमनजाद। बोला जब उसने बांधी बाजू खुलता नहीं किसी के तमा पे जादू। भेद खुलना छुपे हुए का एक एक पर शगुफा पारी। और खामे से शगुफा यूं है दिल मिलने की राह साफ यूं है। पर रुख जो गया तो शहजादा सोचा के हो ठाठ ठाठ का ज्यादा। गायब होना फर्रुख यानी बकावली का और बुलवाना ताजुल मलिक को गुलशन नखाल में। और मुत्तफिक होकर गुलजार हरम में रहना खुले जो तिलसी में तकदीम। अब खामे को यूँ कहा है तहरीर फर्रुख और बादशाह का दिल दस्तूर। यानी वह बकावली मस्तूर मतलूब का सुन समझ के सब हाल चाहे के निकाले कुछ पर वो माल। सोची के दिला शिताब क्या है फिर समझी के इस्तिराब क्या है। अफशाय राज होकर फंसना ताजुल मलिक का तिलसिम में और मुकय्यद रहना बकावली का। खूने रकमी से कलक शंजफर संजर है सुतर कुशा माने हर्फ। अजबस के ये इश्क फितना परदाज है शम फिरोजा परदय राज। हमदम जो बकावली ने पाया गम्माज ये गम होशी में लाया। भड़की हुई जमीला मादर उसकी गुजरी रानी खबर बर्बाद उसकी। एक शब को थी खाले रोज शामत या मर्द में दीदे कयामत। आकर जो है देखी जमीला रोशन थे चिराग और पतीला। पाया जंजीर होना बकावली का और फिराक ताजुल मलिक में। सुनसान वो दम बखुदी रहती कुछ कहती तो जब्त से थी कहती। गजल आलम का तेरे जहां बयां है बेताबी दो जहां है। आना ताजुल मलिक का सहराए तिलसिम से रूह अफजा परी के साथ फिरदौस में। बहर गुहर तिलसिम अखलास है बहर सुखन में खादिम गवास। आना बकावली का रूह अफजा के खबर को जुमले जमीला के साथ और ताजुल मलिक का मिलकर जाना सात दिन। सात दिन से आया था छेड़ों के जो मिलने का बयां है। यूं खामे खुशी से तरजियां है यूं खामा खुशी से तरजियां है। जाना था यगाना की मैं लाजिम मिलने को ही जमीला आजिम। वह साकिन खाना सलासुल यानी वह बकावली बेदिल। कहती थी कि बीच से निकलती हाँ ये होती कि मैं चलती। पैगाम ले जाना हुस्न आरा का बकावली की शादी के वास्ते। ये दिल बेदिल ने जगह जो जी में आ पाई। बेदिल ने जगह जी में पाई यूं खामे ने की जबान कुशाई। यूं खामे ने की जबान कुशाई वो लश्कर गुजर से रूह अब्जा। माँ से बोली कि हुस्न आरा वह वाजिब है अदाए हक महामा। एहसान का एवज नहीं चुराया एहसा। ब्याह होना बकावली का ताजुल मलिक के साथ और रहना एरम में। शादी के लिए है कलक शंजफर संजर्फ अंगुश्त कबूर ये दीदा हर्फ। रुखसत होना ताजुल मलिक का बकावली को लेकर और आना गुलशन निगार में। गुरबत जो अब सरे वतन है कलक के दर ज़र्फ व ज़न है। तलब होना बकावली का राजा इंद्र की महफिल में और आगाह होकर हमराह जाना ताजुल मलिक का। तकदीर से है जो शादी व रंज अब यूं खामे है संजाफ अंज। अजबस के चरख फितना अंगेज है
खिरमने आयश पर वजीर। निस्फ पत्थर का हो जाना बकावली का, और राजा इंद्र की बददुआ से, और बुतखाने में रह कर मिलना ताजुल मलिक से, और खुदना बुत खाने का रानी पत्रा चित्रावत के हुक्म से है। अब जो बयां संग सारी यूं पाए कलम हुई है भारी। खुशी खुश लहजा बहुत बकावली थी, गानी और नाचती पड़ी थी। राजा ने कहा कि खुशी हो तुझसे, जो चाहे आज मांग मुझसे। दिखला के उसी पघा विजय को, मांगा कि वो दो बकावली को। अरमान यही हवस में यही है, खातिर के मर्द बस यही है। मांगा जो बशर परी ने एक बार, राजा इंद्र हुआ गजबनाक। पैदा होना बकावली के दहकान के घर में, और जवान होकर मिलना ताजुलमक। नुक्तों से है अब कलम दहकान, सफ़ी की ज़मीन पर है दास्तान। आशिक होना बहराम व वज़ीर ज़ादी का, ताजुल मलिक का रूह अफ़ज़ा परी पर, और शादी होना बकावली का, सही और कामयाब रहना। जब ख़त्म पे आया दास्तान आई, यूं शाख कलम शगुफा लाई। रूह अफ़ज़ा बकावली ने रोका जो यहाँ कई महीने, रुका यहाँ कई महीने। एक शब को वो ज़ुल्फ़ माह रुखां थी, आतिश मेहर का दुखां थी। इस तरह से ये कहानी ख़त्म होता है, इसका ये फरहंग है। आबे रफ्ता वो पानी आबे रफ्ता जो पानी बह चुका हो, आबे रफ्ता जो मैं फिर आ गया हूँ। मुराद है आँखों की गई हुई रोशनी वापस आना। अखगर चिंगारी को कहते हैं, आवर्द आटा आसा तरफ। आसमान से तारे ले आना दुश्वार काम करना, नामुमकिन काम करना। आसन वो कंबल या बिस्तर जिस पर हिंदू फकीर बैठकर पूजा पाठ करते हैं। जोगनों के बैठने का तरीका। आफताबा एक किस्म का लोटा, जिसके पीछे एक हाथी के हाथ के बजाय लिए दस्ती लगी हुई हो। आँख ताड़ना तेवर से मुँह मकसद समझ लेना। आँख खून में डूबी है, बेहद गुस्सा आया हुआ है। आँखों में सरमो भूखना, खुश होना, सरसों फूलना, खुश होना, आँख चपकाना, आँख पलकना, आँख